इमरान खान की जेआईटी में पेशी का मामला। इमरान खान की लीगल टीम और सरबराह जेआईटी की मुलाकात ना कर सके। ज़राए के मुताबिक जेआईटी और इमरान खान की लीगल टीम की मुलाकात तय नहीं थी, जबकि सरबराह जेआईटी ने मुलजिम की लीगल टीम को नहीं बुलाया था। इमरान खान ने पेशी ना करके कानून के मुताबिक अगला नोटिस जारी किया। तफसीलात मुदस्सिर हुसैन से जानेंगे। मुदस्सिर हुसैन, कहिएगा। हाँ जी बिल्कुल, चेयरमैन पीटी इमरान खान की जेएटी के सामने जो है वो आज 4 बजे पेशी होनी थी, लेकिन वो जेएटी के सामने पेश नहीं हुए और अपने वकला और लीगल टीम को जो है वो भेज दिया है। इमरान खान की लीगल टीम डीजी ने उसकी किसी से नहीं मिल सकी है। डीएजी के हेड हैं जेआईटी के, उन्होंने जो है वो लीगल टीम से मिलने से इनकार किया, जिसके बाद उन्होंने कहा जेआईटी के जराये के मुताबिक की जेआईटी हेड ने मुजरिम की लीगल टीम को नहीं बुलाया था। लीगल टीम ने मिलने की जो है वो जो जेआईटी है वो मजाज नहीं है, लीगल टीम से मुलाकात भी तय नहीं थी। इमरान खान के पेश ना होने पर कानून के मुताबिक जो है वो जेआईटी अगला नोट्स जो है वो जारी करेगी, और अगर अगले नोट्स पर भी इमरान खान पेश नहीं होंगे उसके बाद जो है वो अदालत से जमानतें खारिज करवाई जाएंगी, और उसके बाद जो है वो जेआईटी जो है वो इमरान खान को गिरफ्तार करेगी, और उसके बाद जो है वो उसको शामिल तफ्तीश किया जाएगा। जेआईटी जो है वो जिना हाउस पर तोड़फोड़ और जलाव गलाव के जो मामला है उस पर जो है वो इमरान खान को बुलाया गया था और शामिल तफ्तीश होने के लिए बुलाया गया था। इसमें जो अब तक पुलिस जो है वो जितने मुजमान गिरफ्तार कर चुकी है, इसमें यासीन राशिद और जाज चौधरी समेत जो पीटी के रहनमा हैं और दिगर जो मुजमान हैं, उनसे जो तफ्तीश का अमल जारी है, उनका जो चलान है वो भी तैयार किया जा रहा है। इस वजह से इमरान खान को आज जेआईटी ने बुलाया था और जेआईटी जो है वो आज पेश में आज जेआईटी के सामने इमरान खान आज पेश नहीं हुए। अब जो है वो जो जेआईटी की टीम है वो दिगर जो उसके बाद जो है वो लीगल नोटिस को जाएगी, और दोबारा अगर इमरान खान पेश नहीं होते तो उसके बाद जो है वो अदालत से जेआईटी सलाह करेगी कि इनकी जमानत की जाए, इसके बाद जो है वो जेआईटी इनको निरंतर गिरफ्तार करके शामिल तफ्तीश के। ठीक है मुदस्सिर, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का।